नमस्कार, देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। एक बार फिर से बिहार बंद, आज है 21 दिसंबर है, राजद के द्वारा बिहार बंद कराया गया है एनआरसी सीएए के विरोध में। आप देख सकते हैं डाक बंगला चौराहा की वो सीधी तस्वीरें सुबह सुबह हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज जो बेहद व्यस्त चौराहा माना जाता है पटना का डाक बंगला चौराहा, बेहद शांत सा दिख रहा है। यानी सीधे तौर पर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बिहार बंद का असर सुबह सुबह ही दिखने लगा है। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो वीआईपी के कार्यकर्ता हैं, जो कि इस बंद का समर्थन करने पहुंचे हैं, वो लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और एनआरसी गो बैक का बैनर लिए हुए हैं। जाति धर्म पर बनाया गया कानून वापस लो, ऐसा कहा जा रहा है बैनर में। और हम बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो ये आंदोलन कब तक जारी रखा है, कब तक ये आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का। देखिए, जब तक यह काला कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेता, जब तक हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे, आंदोलन करने का काम करेंगे। एक दिन पहले भी बिहार बंद जब आप लोगों ने कराया था, उसके बाद क्या लगता है कि बिहार सरकार पर और केंद्र सरकार पर कोई असर हुआ इसका? देखिए, बिहार सरकार नीतीश कुमार जो बोले हैं कि एनआरसी हम बिहार में लागू नहीं करेंगे, नीतीश कुमार पहले भी बोले थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या मिट्टी में मिल गए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र बिहार में जागर हुआ है और सब लोग जानता है कि नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। तो नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से पलट सकते हैं, ऐसा जो है वीआईपी के कार्यकर्ताओं का कहना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कल दो टूक कह दिया था कि एनआरसी बिहार में लागू नहीं होगा। इससे पहले भी जब एनआरसी को लेकर तमाम बातें आती थी, प्रशांत किशोर पहले भी विरोध करते हुए दिखे थे, उन्होंने ये कह दिया था कि नीतीश कुमार लागू नहीं होने देंगे। लेकिन इसको लेकर तमाम सियासत जो है वो लगातार जारी है और हम आपको सीधी तस्वीर एक बार फिर से दिखा रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे की। बिहार बंद का व्यापक असर अब दिखने लगा है। ये डाक बंगला चौराहा है जहां पर तमाम नेता इकट्ठा होंगे कुछ देर के बाद, और बिहार बंद का कितना असर होगा इस सब से हम आपको अपडेट रख रहे हैं। लेकिन एक बार हम आपको फिर से वो दिखा दें तमाम तस्वीरें, सुबह 9:30 बजे की ये तस्वीरें, जो गाड़ियां जब सबसे व्यस्त चौराहा माना जाता है डाक बंगला चौराहा, वह शांत सा दिख रहा है। गाड़ियों का परिचालन जो है वह बहुत ही कम हो रहा है, लोग भी बहुत कम पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बिहार बंद का असर दिखने लगा है। राजद की तरफ से ये बिहार बंद कराया गया है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष के वो भी इसमें शामिल होंगे, जैसा कि हमने आपको दिखाया वीआईपी के कार्यकर्ता शामिल हुए, अब और भी पार्टी और भी जो दल हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो तेजस्वी यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगे, तेज प्रताप यादव भी पहुंचेंगे, तमाम जो बड़े नेता हैं राजद के वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे। इस बंद का बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर कितना असर होता है, एनआरसी का विरोध और सीएए का विरोध और कितना दूर तक जाता है, इन तमाम चीजों से हम आपको अपडेट रखेंगे। इसके लिए आप बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।